रही मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी आपके लिए जो मिल सके। आपको जब आप बेल आइकॉन ऑन करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन हम वीडियो का आपको सेंड करते हैं वो आपको आसानी से मिल जाता है। आप जरूर एक दफा बेल को ऑन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी हो सके। अगर आप इस्तकारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, जादू जिन्नात, कारोबार की बंदिश या कोई भी मसला है, घरेलू परेशानी, घरेलू मसला है, अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज की सबसे प्यारी हदीस की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद आपको मैं अमल और वजीफा अपनों को, प्यारों को, अपने जो दूर हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, रूठ चुके हैं, बात नहीं मानते, कदर नहीं करते, दिल में इज्जत नहीं है, उनके लिए वजीफा बताऊंगी, अमल उसका तरीका भी बताऊंगी, इंशाल्लाह जरूर कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी को बुरा ना कहो, गाली तो बनाओ बिला तो बस्तफर, गाली ना दो, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी भी जान है, तुम में से कोई अगर उख्द पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो इनके एक जो आधा हिस्सा होते हैं उनके किए हुए काम या उनके किए हुए जो मेहनत है, मुहब्बत है, चाहत है, उसके बराबर भी नहीं है। यानी कि सहाबा इकराम की इतनी अहमियत है कि उहदे पहाड़ या पहाड़ जितना भी आप सोना ले आए और उसको आप मतलब कि अल्लाह की राह में दे भी दें, लेकिन आपने उनको बुरा कहा हो या उनको तो नाउज़ बिल्ला कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया हो, तो वो इसके बराबर उसकी बख्शीश हुई। सीधी सी बात है, उसको अल्लाह पाक ने बख्शना ही नहीं। तो इस चीज से थोड़ा सा ख्याल रखिए, कभी भी कोई भी ऐसी बात सोच समझ के जरूर कीजिएगा। अगर तौबा नौज़ बिल्ला कोई गलती हो गई है, दो नफल पढ़ के अल्लाह से तौबा करके माफी मांग लें, जो तरीका है वो करें, इंशाल्लाह आपको कभी भी ना उम्मीद, मेरा रब, मेरी रब की जात कभी ना उम्मीद नहीं करेगी। आज का वजीफा बहुत प्यारा है। बहुत से बहन भाइयों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ये, अगर कोई हमारा प्यारा हमसे दूर है, नाराज है, कोई दूर जा चुका है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके पास अगर तो उसकी कोई तस्वीर है या मोबाइल के ऊपर कोई तस्वीर है या तस्वीर भी, तो आप जाहिर है उसको जानते होंगे, सात बार बस आपने ये अमल करना है। सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पूरी पढ़नी है, तीन मरतबा से सात मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। जब एक मरतबा पढ़ें तो जिस प्यारे को मुसख़र करना चाहते हैं, जिससे आप मतलब के आपके पास नहीं है, दूर है, नाराज है, तसव्वुर मिला के एक मरतबा नाम लेके, नाम कैसे लेना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, उसके बाद अल्लाह को उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, इस तरह आपने लेना है। सातों मरतबा नाम लेंगे, सातों मरतबा सूरह मुबारक पढ़ेंगे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तसव्वुर में ला के एक दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। तो अक्ल कामिल, जब आप अमल करें, बात ना करें, जब आप अमल करें, पाक साफ कपड़े बावजू करें, जब आप अमल को कामयाब करना चाहते हैं, दो नफले हाजत के पढ़ के, दो नफले तोबा के पढ़ के अमल करें। पहले दो तोबा के नफल पढ़ें, दो नफल हाजत के पढ़ें, अमल करें, कैसे कामयाब नहीं हो सकता। आपने जिस दिन आपने अमल करना है, उस दिन आपने कच्चा अदरक लहसुन प्याज गोश्त अंडा मछली वगैरह कुछ भी ना खाया हो, अगर खाया है तो कम से कम दो घंटे या तीन घंटे, तीन आवर्स पहले खाया हो। अमल को अमल की तरह करें, वजीफे को वजीफे की तरह करें। यकीन माने, अमल वजीफा साल भी आप करते रहे उसका अलग स्वाद है, उसका अपना तरीका है। अमल एक दफा का, एक दिन का तरीके से करें, जगह मखसूस, पाक, शोर, कोई शोर हो ना हो, सब सो जाएं, घर में कोई शोर ना हो, इशा के टाइम, ये तो तहज्जुद का टाइम बहुत नायाब है, फजर से पहले ये वक्त मुकर्रर है। अगर कमरे में कर रहे हैं तो लाइट ज्यादा रोशन ना हो, कम रोशनी में करें, अमल की कामयाबी देखिएगा। एक दफा ये वजीफा करके देखें और आंखें बंद करें, बात नहीं करनी, जब वजू कर लें किसी से बात नहीं करनी। बेहतर ये है कि अगर जब भी आप अमल करें उससे पहले आपने कोई इबादत की हो, कोई नफल पढ़े हो,
یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو؟ لاجواب. ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں. شوہر ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہے, جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اپنے جو روٹھے ہیں ان ناراض ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. رشتے اور رشتوں کی بندش کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں. اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا, آپ کو بھی جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا. تو طریقے سے وظیفہ کریں. ناکامیابی ہو تو اپنی اس بہن کو پھر کہیے گا. میں جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں, یقین مانیں کہ اگر آپ طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہے. جزاک اللہ خیرہ.